तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हुकूमत मुजाकरात करने के बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में उनका कहना था कि कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुजाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे वासिफ महमूद से। जी वासिफ, आगाह कीजिए। देखिए, अभी मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही से चौधरी वजाहत हुसैन और रासिख इलाही समेत जो साबिक अरकान असेंबली हैं उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुजाकरात की मोहलत दी थी वो खत्म होने वाली है। हुकूमत मुजाकरात की बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। हुकूमत मुजाकरात को तख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से चकमा दिया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। और चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा है कि हुकूमत एक तारीख पर इलेक्शन में संजीदा होती तो कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान करती है, और उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद।